आप आ गए। पता नहीं दादा को क्या हो गया है और मम्मा भी बहुत परेशान है। तुम टेंशन मत लो, मम्मी सर के लिए दवाई लेकर आए, उन्हें दे देंगे। चलिए। अरे कृष्णा आ गए बेटा। नहीं नहीं बेटा, तुम एक काम करो, तुम जाकर आराम करो। बेटा तुम्हें भी चोट लगी है ना, तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम जाओ, हम दद्दा को देख लेंगे। हाँ कृष्णा आओ। अजीब पागल लड़के हैं। खुद डॉक्टर है ना, समझना चाहिए, अपना ख्याल रख लेना चाहिए, दवाई ले लेते खुद। क्या क्या बुद्धि है। कृष्णा चिंता की कोई बात। बेटा कितना बुखार है। इन्फेक्शन की वजह से टेम्परेचर हाई है, 103.4। हम हमारे रेसिडेंट डॉक्टर डॉक्टर गुप्ता से दवाई लेकर आए हैं, तो हम इन्हें दे देंगे वो बुखार। हेलो पापा, एक मिनट। क्या हुआ बिट्टू बेटा, सब ठीक है ना बेटा? हाँ पापा, अगर बुखार बहुत ज्यादा हो, मतलब 103-104, तब दवाई तो हम जानते हैं, लेकिन सर पर पट्टी करने से सिर्फ नहीं होता है ना, मतलब आप कुछ और तरीके की पट्टी करते हैं ना? हाँ बेटा, हम दूसरा तरीका बताते हैं सबको। अच्छा हाँ हाँ ठीक है ठीक है, हाँ हम बाद में बात करते हैं। जी चाची जी, हमें एक भगोने में रूम टेम्परेचर पानी चाहिए पट्टी रखने के लिए ना? जी हाँ, लेकिन अलग तरीके की। अच्छा अभी लाते हैं। अरे हाँ चाची जी, वो मोजे चाहिए थे इनके। वो अलमारी में है, ड्रॉर के ऊपर रखे हैं। ठीक है ले लेना। बेला, सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने है, तुम ही बताओ हम क्या कहें अब। हमसे तो एक पल भी ना रुका जा रहा है, तुम ना हमें बाबा के पास ले चलो अपने। हाँ हाँ मम्मी जी, हम चलेंगे ना, पर अभी सो जाते हैं, इतनी रात हो गई। ना ना, हम इतनी रात को ही चल पड़ेंगे बेला तुम्हारे साथ। अब हमसे एक पल भी ना रुका जा रहा बेला, तुम समझ नहीं रही हो। सोचो अब तक तो हमारे लल्ला को भी पता चल गया होगा कि उसकी अम्मा कितना तड़प रही है उससे बात करने के लिए। कितना बेचैन होगा हमारा लल्ला, तुम समझिए बेला, हमें ले चलो। हाँ हाँ मम्मी जी, आप तैयार हो जाइए, हम चलते हैं अभी आपके साथ। हाँ हाँ हम अभी आते हैं, अभी आते हैं। अम्मे मियाँ, कृष्णा पैर क्यों पोंछ रहे हो, हमें बता दो ना, क्या करना है हम कर देते। कोई बात नहीं चाची जी, वैसे जब इन्हें होश आए ना, तब इन्हें अंग्रेज डॉक्टर को जरूर बताइएगा ये देसी इलाज। अरे जब इन्हें होश आएगा और पता चलेगा कि तुमने ये देसी इलाज किया है, इन्हें फिर से बुखार आ जाएगा। हाँ।
बैठो। देखो ना, इतना कुछ हो गया लेकिन जब हमें तकलीफ हुई तो सबसे पहले तुम्हारा ही नाम जहन में आया, तभी तुम्हें बुला लिया। चाची जी, डॉक्टर वीर को कहिए ना, कभी मुस्कुरा लिया कर। हमेशा खड़ूस क्यों बने रहते हैं? चाहते तो हम भी यही हैं कि इनके चेहरे पे मुस्कुराहट रहे, लेकिन क्या करें, अपने बेटे किस्मत ऐसी लेकर आए हैं ये। जानती हो कृष्णा, कभी भी खुशी इनके पास रहती ही नहीं। डॉक्टर वीर हमसे बहुत नफरत करते हैं ना? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।